काशीराम, एक बात मेरी समझ में ना आवे कि ये 124 के चक्कर में अपना लखन इंस्पेक्टर तो बन गया, पर इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सेठ जी, बड़ा रुबाब है लखन का। कर बाई गॉड। बाई गॉड, किसी को भी जेल में बंद कर देवे। बाई गॉड। सनकी हो गया है सनकी। वो आपके सेठ जी है ना, बिब्बी रोडवेज वाले, उनकी तो गिग्गी बन गई उसके सामने। काशीराम तू सीधा बैठ जा, मेरी गिग्गी ना बंधे किसी के सामने। सेठ जी बंद गई। क्या गिग्गी? किसकी? आपकी। कैसे? हवलदार जमशेद, दुकान को घेर लो। बैठे रहिए, बैठे रहिए। लोग उठने बैठने में हेरा फेरी कर जाते हैं। सेठ जी धार पड़ गई। क्या पड़ गई? लखन भैया। आज से हम लखन भैया नहीं, इंस्पेक्टर लखन प्रताप सिंह है। आ आ आ आ आ आ जमशेद, बताइए जनता की क्या क्या शिकायतें हैं? हमारी शिकायतें? हाँ, तुम्हारी शिकायतें। सुनिए सुनिए, रिपोर्ट नंबर एक, बनिया देवदर शास्त्री चावल में कंकर मिलाता है। रिपोर्ट नंबर दो, खोलते हुए कांटे में बट्टा मरता है। रिपोर्ट नंबर तीन, भाव बढ़ाने के लिए अंदर वाले कमरे में घी तेल जमा करता है। और मिलावट और जमाखोरी की सजा 3 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माना। आवाज आवाज तो सुनो बेटा, कानून का आदमी जनता की आवाज सुनेगा या मुजरिम की? जब भी तू मैंने डांटे है ना, तो मैंने बहुत प्यारा प्यारा लगे उकी बाबा नूनी काका। ये तेरी अपनी दुकान है बेटा, तेरा अपना घर। अपने घर में दाल मारेगा तो क्या कहेगी शारदा बहन? जमशेद जी, तुम जाओ, हम आते हैं। काशीराम जी, माँ का नाम लेकर मुझे जज्बाती कराया बढ़िया? ये बढ़िया नहीं है लखन भैया, राधा का बाप है तुम्हारा देवधर काका। काका काका बचपन वाला काका, भूल गए काका। देखो राधा बेटी कैसे तेरा इंतजार कर रही है, और मैं और ये काशीराम अभी तेरे बारे बातें कर रहे थे कि लखन नहीं आया, लखन आया नहीं अभी तक। अभी अब तो आए हो तो चाय पी के जाओ, राधा से मिल के जाओ। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, मेरा मतलब है राधा ने तुम्हारे लिए लड्डू बना रखे हैं, खा कर जाओ जी। एक शर्त पर। क्या? कि देवदर काका खुद अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाएं। तो जरूर पिलाएंगे, आज तो इनके बाप को भी पिलानी पड़ेगी। तुम ऊपर तो चलो, राधा से तो मिलो। क्यों सेठ जी? लखन बेटा, लड्डू खा, लड्डू खा तू। काका याद है बचपन में हमें राधा लड्डू खिलाया करती थी? अरे याद है बेटा, सब कुछ याद है। तू क्या प्यारी प्यारी हरकतें किया करता था। तो आज भी हम तभी खाएंगे जब राधा अपने हाथों से हमें लड्डू खिलाएगी। अरे हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, राधा बेटी खिला दे अपने हाथ से लड्डू। दरोगा जो बन गया है दुश्मन। मेरा मतलब है लखन, DDT पुलिस इंस्पेक्टर CPWD। काशीराम जी, तुमने काका को बताया नहीं कि लखन ने किन किन हरामियों को पकड़ा? पकड़ा जी, सबको पकड़ा, सिर्फ एक हरामी ने छोड़ के। काशीराम किसको? सेठ जी, आपका नाम लेते हुए मैंने बड़ी शर्म आई। काशीराम। सेठ जी, कहने का मतलब ये है कि लखन भैया ने सबसे पहले तो वो अपना सेठ धनी राम है ना, उसके यहाँ धाड़ मारी और उसको बंद कर दिया। और वो दूसरा, वो बढ़िया दीना राम है ना, उसको थाने में उल्टा लटका के इसी जगह जूते मारे कि आसमान लाल कर। माय गॉड, मैं तुम्हारे लिए सोने की चूड़ियां लाया हूँ, पहन लो। लखन, लखन, हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर लखन होगा। ये लखन छोटी मोटी हेरा फेरी तो कर सकता है विविया जी, लेकिन केसरिया जैसे कैदी को जेल से बाहर नहीं निकाल सकता। और फिर केसरिया का केस तो राम के हाथ में है। केस राम के हाथ हो या लखन के, हमें केसरिया चाहिए हर कीमत पर। पदाप! विशंबर और सर जॉन के क्या तालुकात है, और सर जॉन का डका? ओए गुड मैन, मैंने सौबा काना, सर जॉन का डम मुझे नहीं मालूम है। बोल, सर जॉन का डका है। सुना भैया, विविया ने लखन को अपने घर बुलाया है। नहीं नहीं, हमें इस बात का पूरा यकीन है लखन, कि तुम केसरिया विलायती को जेल से निकाल लाओगे। थैंक यू। और हम तुम्हें 12 लाख का एक बंगला और 2 लाख कैश भी दे देंगे। अरे तुम भिशंबर और भानु से बड़ा बनना चाहते हो, ये भी मैं जानती हूँ।
आपने ये सब कैसे जान लिया? ये रहा तुम्हारा 2 लाख रुपए एडवांस। थैंक यू। लेकिन विशंबर और भानु से बड़ा बनने का सिर्फ एक ही तरीका है लखन, कि तुम सर जॉन के दिल और दिमाग पे छा जाओ। सर जॉन तुम्हें जमीन से आसमान पर बिठा देंगे। अरे मैं जानता हूँ विविया जी, विशंबर और भानु को आसमान पर बिठाने वाले भी सर जॉन ही है। ठीक समझा तुमने, लेकिन कई लोग तो आसमान पर पहुँच कर अपनी औकात ही भूल जाते हैं। औकात इंसानियत भी भूल जाते हैं विविया जी, वहाँ आसमान पर रहकर जमीन पर रहने वाले लोगों को मुर्दा समझने लगते हैं, मुर्दा। वैसे आपके और मेरे ख्याल कितने मिलते हैं विविया जी? आई विश यू ऑल द बेस्ट लखन। थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे किया वादा जरूर पूरा करूंगा। अगर ये लखन विविया के दिल में बैठ गया तो हम सबका सत्यानाश कर देगा और फिर वो सर जॉन की गोद में बैठकर हम पर गोली चलाएगा। ये वो चाबी है जिससे दुनिया का हर ताला खुल सकता है, इसे मास्टर की कहते हैं दोस्त। केसरिया बिलायती, बता सर जॉन का अड्डा कहाँ है? यू दूसरा गुडमैन, यू स्टूपिड बैडमैन, अगर तुम अपने आप को मास्टर समझते हो और तुम ये समझते हो कि तुम्हें ऐसी कोई चाबी मिल जाएगी जिससे तुम ताला तोड़ के भाग जाओगे तो तुम गलत हो, समझे? 303 विल हैंग यू टिल डेथ। माय नेम इज लखन माधुराम पंचूर नरफा। सर केसरिया विलायती भाग गया। क्या केसरिया भाग गया? मैं पूछता हूं कैसे भाग गया वो? मालूम नहीं है सर। यस, तुम जैसे खिलाड़ी से मिलकर हम बहुत खुश हुए लखन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बैड ब्रदर बड़ा ही होनार हीरो है सर जॉन। केसरिया को छुड़ाने की खुशी में आज रात सर जॉन ने तुम्हारे लिए एक शानदार डांस पार्टी रखी है। डांस पार्टी? विविया जी, क्या मैं अपने पुराने गरीब दोस्तों को भी बुला सकता हूँ? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। विविया जी वो लोग भी बहुत अच्छा डांस करते हैं। देखा है, देखा है, देखा है। ये अंग्रेजी डांस है भतीजे जी, कोई गली कूचों में ढोल बजाकर भीख मांगने वालों का डांस नहीं है। देवू ने अमेरिका से डांस करने वालों को इस पार्टी में बुलाया। देखना जब हमारा देवू गाएगा डांस करेगा तो विविया जी भी देख के दंग रह जाएगी। ओ रियली? तो फिर क्यों ना दोनों पार्टियों को बुलाया जाए और एक मुकाबला हो जाए, और इस मुकाबले में जीतने वाले को हम मुंह मांगा इनाम देंगे। मुंह मांगा? मुंह मांगे इनाम का मतलब समझता है तू बेटा? अरे वो इनाम में तेरी राधा को भी मांग सकता है। राधा? हाँ। राधा को तो मैं उसे आधा पी नहीं दूंगा मामा। देख भांजे, अगर आज की रात तेरी हार हुई तो समझना हम सब बर्बादी के जाल में फंस गए। अरे मामा, अमेरिका में पूरे 12 साल डांसिंग की है मैंने, ये हिंदुस्तानी टट्टू क्या नाचेंगे मेरे साथ? वो पान जो वो लोग खा रहे हैं उसमें देवू ने वो गोली मिलाई कि खाटे सब पागल हो जाएंगे। वो पान में कुछ गड़बड़ है। संभालो दोस्त, दुश्मन हमें मिटाने के चक्कर में है। केसरिया विलायती को निकालने में किसी अपने ही आदमी का हाथ था और इसका पता तुम्हें लगाना होगा राम। आप लोग ये ना भूलें कि अगर केसरिया विलायती मुझे 30 दिन में नहीं मिलता तो शायद मुझे सरकार को इस्तीफा देना पड़े। कौन हो सकता है सब विश्वासघात?